हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले आलू बैंगन की सब्ज़ी, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले लिया है कढ़ाई और उसमें मैंने डाला है सरसों तेल। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो हमें उसमें डाल देना है बैंगन। बैंगन को फ्राई करते वक्त इसमें आप नमक ऐड ना करें, वरना बैंगन काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर बैंगन को काफ़ी लाइट फ्राई करना है। जब बैंगन थोड़ा फ्राई हो जाए तो हमें इसको निकाल लेना है। उसके बाद उसी कढ़ाई में हमें फिर से ऐड करना है सरसों ऑयल। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 5 फ़ोरन और साथ ही साथ डाल देंगे आलू। आलू जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे 1 चॉप किया हुआ प्याज और आलू प्याज को अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चॉप किया हुआ टमाटर। अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं सारे सूखे मसाले। सूखे मसाले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। मैंने इस सब्ज़ी में काफ़ी मिनिमम मसालों का यूज किया है। उसके बाद हम इसमें साथ ही साथ ऐड कर देने वाले हैं नमक स्वाद के अनुसार। सारे मसाले डालने के बाद इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें ऐड कर दें वाटर। मसाले यहाँ पे अच्छे से भून गए हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी वाटर। वाटर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड करें। आपको कितना थिक और कितना लाइट रखना है उस हिसाब से आप वाटर ऐड करें। और दूसरा ये भी चेक कर लें कि आलू अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं। अगर आलू अच्छे से कुक हो गया होगा तो ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा यहाँ पे आलू थोड़ा सा कच्चा है इसलिए मैं थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड की हूँ। और उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी फ्राई किए हुए बैंगन। अब इसके बाद हमें यहाँ पे डालना है थोड़े से धनिया पत्ता। बैंगन की सब्ज़ी में धनिया पत्ता का स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। तो इन सारे चीज़ों को डालने के बाद इसको 5 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ दीजिए ढककर। तो आप भी अगर इस सावन में वेज खा रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो ये हमारी आलू बैंगन की सब्ज़ी हो गई है तैयार, काफ़ी कम मसालों में और काफ़ी मिनिमम समय में। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।